लेट एक प्रकार का वर्ब होता है, जैसे कि गो, प्ले, ये एक प्रकार का वर्ब होता है ना। गो यानी कि जाना, कम यानी कि आना, ये एक प्रकार का वर्ब होता है, यानी कि क्रिया होता है। उसी प्रकार लेट भी हमारा वर्ब है, एक क्रिया है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करने देना, किसी को कोई काम करने देना। वो एक प्रकार का वर्ब है जिसे हम इंग्लिश में लेट बोलते हैं। अब ये क्रिया है, वर्ब है, तो इसके फॉर्म्स भी होंगे। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा लेट रहता है, सेकेंड फॉर्म भी लेट रहता है, थर्ड फॉर्म भी लेट, और फोर्थ फॉर्म लेटिंग। अगर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो वो लेट्स हो जाता है, लेट में एस ऐड हो जाता है। ये हमारे लेट के फॉर्म्स होते हैं जो आपको याद करनी होगी, क्योंकि हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं लेट से तो उसमें वर्ब्स की फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लेट हमारा वर्ब होता है, और टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेट को हम लोग को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पापा मुझे खेलने देते हैं। यहाँ पर खेलने खेलने का काम कौन कर रहा? मैं कर रही हूँ ना, मुझे खेलने देते हैं, तो खेलने का काम मैं कर रही हूँ। कौन करने दे रहा है? पापा करने दे रहे हैं। लेकिन पापा नहीं खेल रहे, कौन खेल रहा है? मैं खेल रही हूँ, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। रोहन ने हमें जाने दिया। जाने का काम किसने किया? हम कर रहे। रोहन जाने का काम नहीं कर रहा, जाने का काम हम कर रहे। रोहन हमें जाने देता है, यानी कि जाने का काम हम कर रहे हैं। तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। मिलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। मिलने का काम मैं कर रही हूँ, लेकिन करने कौन दे रहा है? तुम। तो इस तरह से जो इसमें सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता है, बल्कि दूसरे को वो करने देता है। ये एक प्रकार का कॉजेटिव वर्ब होता है। मैंने कॉजेटिव वर्ब की वीडियो अलग से बहुत बार अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप नहीं जानते कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। पॉजिटिव वर्ब होते क्या है? पॉजिटिव वर्ब मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता, बल्कि दूसरे को वो काम करने देता है, तो वो हमारा लेट हो जाता है। यहाँ सब्जेक्ट किसी और को वो काम करने देता है, वहां पे हम लेट का यूज करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गई कि लेट का हिंदी मीनिंग होता है करने देना, और ये एक तरह से पॉजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, अब चलिए सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। पापा मुझे खेलने देते हैं। पापा किसे खेलने देते हैं? मुझे खेलने देते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ऐड करना होगा, उसके बाद लेट को यूज करना होगा। और मैं आपको बता दूं, लेट अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेट हमारा मेन वर्ब है। लेट क्या है? मेन वर्ब है, आप याद रखिए। उसके बाद हमारा आता है ओसी। ओसी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, मी, हिज, हर, ये सारे होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस। अब आगे सेंटेंस को बनाइएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद अगर आपका कोई सेकेंडरी वर्ब बच गया, तो हम सेकेंडरी वर्ब को लिखते हैं। सेकेंडरी वर्ब यानी कि देखिए, हम मैं तो सेकेंडरी वर्ब क्या होता है वो मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे पापा मुझे खेलने देते हैं। पापा किसे खेलने देते हैं? मुझे खेलने देते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे पापा है, तो हम बोलेंगे पापा। उसके बाद हमें क्या, सब्जेक्ट हम लोगों ने लगा दिया पापा, उसके बाद हमें लेट का यूज करना है। पापा क्या है? पहले आप सेंटेंस को पढ़ के ये समझिए कि कौन सा टेंस है। पापा मुझे खेलने देते हैं। ते है, ता है, ती है, ये कौन सा टेंस होता है? ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब्स के फॉर्म को लिखते हैं। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो उसमें एस और यस का ऐड करते हैं। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहता है तो हम डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब क्या लगाएंगे? ओसी, यानी कि ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, मुझे, मुझे का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। मुझे का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। उसके बाद ये जो प्ले है ना, ये भी हमारा वर्ब है। हम बहुत बार यूज करते हैं ना प्ले, यानी कि खेलना। खेलना हमारा क्रिया है, ये एक प्रकार का वर्ब है। लेकिन हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में लेट का यूज किया था मेन वर्ब के रूप में। हमारा जो लेट है ये मेन वर्ब है। और अगर बाकी अगर दूसरा वर्ब आपको देखने को मिल गया, तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी वर्ब। ठीक है, यही हमारा सेकेंडरी वर्ब है। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, पापा लेट्स मी प्ले, पापा मुझे खेलने देते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाए कि पापा मुझे खेलने नहीं देते हैं, तो हम बोलेंगे, अब नेगेटिव सेंटेंस में ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो उसमें डज नॉट का यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहा तो डू नॉट का यूज करते हैं। तो पापा तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा। तो पापा के साथ हम क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? डज नॉट का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या यूज किया? पापा डज नॉट। उसके बाद हमारा मेन वर्ब लेट का यूज हम लोगों ने किया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मी, उसके बाद सेकेंडरी वर्ब प्ले।
नॉट लेट मी प्ले, पापा मुझे खेलने नहीं देते हैं, पापा डज नॉट लेट मी प्ले। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए कि क्या पापा मुझे खेलने देते हैं, तो इसे हम बोलेंगे डज पापा लेट मी प्ले। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं ना, ये हम लोगों ने तो काफी बार सीखा है, इसलिए हम लोगों ने डज का यूज स्टार्टिंग में कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हम लोगों ने ऐड किया। डज पापा लेट मी प्ले, क्या पापा मुझे खेलने देते हैं। अगर हम इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, डज पापा नॉट लेट मी प्ले। डज का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए किया और हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी था, इसलिए हम लोगों ने नॉट का भी यूज कर दिया। डज पापा नॉट लेट मी प्ले, क्या पापा मुझे खेलने नहीं देते हैं। अगर हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके ये सेंटेंस को बनाए तो किस तरह बनाएंगे, जैसे अगर हमें बोलना हो पापा क्यों मुझे खेलने देते हैं, पापा क्यों मुझे खेलने देते हैं, इसे हम बोलेंगे Why does papa let me play? Why does papa let me play? पापा क्यों मुझे खेलने देते हैं। तो एक ही सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आपको लेट का यूज किस तरह करना है आपको समझ में आ गया। लेट का यूज हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे, अगर अदर हमारा वर्ब बच गया तो उसे हम सेकेंडरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के जस्ट बाद। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रोहन हमें जाने दिया, रोहन ने हमें जाने दिया। अब पहले हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस का है। रोहन ने हमें जाने दिया, दिया गया लिया खाया पिया, कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो लेट हमारा वर्ब है ना, मेन वर्ब हमारा लेट है, तो लेट का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस सेम, उसके बाद हमारा सेकेंडरी वर्ब, यही इसी को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन है, रोहन, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट को लिख दिया रोहन। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेट का सेकेंड फॉर्म क्या है, लेट ही है ना, आप कंफ्यूज मत होइए, इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हमारा लेट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। रोहन लेट अस गो, यहाँ पे हमें, हमें के लिए क्या होता है, वी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस हम जब लिखते हैं तो वो अस बन जाता है। रोहन लेट अस गो, गो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वर्ब हो गया, जाने के लिए गो का यूज हम लोगों ने किया है। रोहन लेट अस गो, रोहन ने हमें जाने दिया। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, रोहन ने हमें जाने नहीं दिया, तो हम बोलेंगे रोहन डिड नॉट लेट अस गो। ये सिंपल पास्ट था, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज हम लोगों ने किया है। अगर सिंपल प्रेजेंट रहता है और नेगेटिव सेंटेंस रहा तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करते, लेकिन ये हमारा सिंपल पास्ट है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डिड नॉट का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या ना हो, सभी के साथ हम इसका यूज करेंगे डिड नॉट का ही, ठीक है। तो हम बोलेंगे रोहन डिड नॉट लेट अस गो, रोहन ने हमें जाने नहीं दिया। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या रोहन ने हमें जाने दिया, डिड रोहन लेट अस गो, डिड का यूज हम स्टार्टिंग में कर देते तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्या से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन, क्या रोहन ने हमें जाने दिया। अब हम बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बोलेंगे डिड रोहन नॉट लेट अस गो, क्या रोहन ने हमें जाने नहीं दिया, डिड रोहन नॉट लेट अस गो। अब हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, रोहन क्यों हमें जाने नहीं दिया, रोहन ने क्यों हमें जाने नहीं दिया, व्हाई डिड रोहन लेट अस गो, Why did Rohan let us go? अगर आप सेंटेंस को पहचान गए, अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो आप सभी सेंटेंस को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के लिए हम यू का यूज किए। अब बताइए कौन सा टेंस है, ते हो ती हो, ये कौन सा टेंस होता है, ये तो सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट में ही ता है ती है रहता है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यू है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज, अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस को ऐड करते, ठीक है, लेकिन हमारा यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए इसके साथ हम एस और यस का यूज नहीं करेंगे। बोलेंगे यू लेट हिम मीट मी, हिम क्या है, हिम किसके लिए यूज किए, उसे के लिए, उसे एक लड़का है, उसे एक लड़का है, ही को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस बनाया तो हिम बन गया। अगर हमारा सी रहता तो हम उसका बनाते हर, क्योंकि सी का होता है हर, ऑब्जेक्टिव केस, यू लेट हिम मीट मी।
अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि तुम उसे मुझसे मिलने नहीं देते हो, तो हम बोलेंगे यू डू नॉट लेट हिम मीट मी। यहाँ पे डू नॉट का यूज क्यों किया, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, इसलिए हम लोगों ने डू नॉट का यूज किया है। यू डू नॉट लेट हिम मीट मी। अगर हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इसे बनाए, क्या तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, डू यू लेट हिम मीट मी, डू यू लेट हिम मीट मी। डू का यूज हम स्टार्टिंग में क्यों, क्योंकि हम क्या से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाए तो किस तरह बोलेंगे, डू यू नॉट लेट हिम मीट मी, क्या तुम उसे मुझसे मिलने नहीं देते हो, डू यू नॉट लेट हिम मीट मी। अगर हम इसे WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके बनाए तो हम बोलेंगे व्हाई डू यू लेट हिम मीट मी, तुम क्यों उसे मुझसे मिलने देते हो। तो लेट का यूज करके हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये तो हम सभी तरह के सेंटेंस को बनाना सीख लिए, चलिए और कुछ एग्जांपल देते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, आप पहले अपने टेंस को सुधारिए। टेंस को अगर आपने सुधार लिया तो आप सारे सेंटेंसेस को काफी इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को बना के देखते ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते थे, तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते थे, ये क्या है, ये क्या है, हमारा टेंस है। ते थे ती थी, ये क्या टेंस है, नहीं ये टेंस नहीं है, ये मॉडल्स है। मॉडल्स तो हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है ना, ये मॉडल वर्ब का यूज होगा यहाँ पर। मॉडल वर्ब क्या, सकते थे, सकते थे के लिए हम यूज करेंगे कुड का। मॉडल वर्ब कुड का यूज करेंगे हम सकते थे के सेंस में। तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते थे, तुम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए यू। उसके बाद हमारा वर्ब क्या लगेगा, कुड, मॉडल वर्ब कुड, सकते थे, सकता था। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो कुड हैव का यूज। ये मैंने मॉडल वर्ब्स की क्लास में काफी अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी मॉडल वर्ब वाली वीडियो को विजिट कर सकते हैं, उससे आपको मॉडल वर्ब में जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी दिक्कत होगी, वो 100% क्लियर हो ही जाएगी। यहाँ पे यू कुड हैव, उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, लेट है। हमारा मेन वर्ब तो लेट ही रहेगा, तो लेट हम लोगों ने यूज किया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हम बोलेंगे दैट किड या फिर दैट चाइल्ड भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद घुसने के लिए इंटर, सेकेंडरी वर्ब इंटर, क्लास में द क्लास, यहाँ पे आप इनका यूज नहीं कर सकते, यहाँ हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यू कुड हैव लेट दैट किड इंटर द क्लास, तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते। आप मुझे बोलने क्यों दे रहे हो, रहे हो, रहा है, ये कौन सा टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे वाई, और नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हमारा। तो हम क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई, और रहे हो, रही है, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। एम एज आर प्लस वर्ब में ing का यूज करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके लिए हम यू का यूज करेंगे। तो यू के साथ क्या यूज होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आर का यूज करेंगे। व्हाई आर यू नॉट, नॉट का यूज क्यों, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी स्पीक, लेटिंग का यूज किए, क्योंकि रहा है, रही है, वर्ब में आई एन जी होता है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर लेट रहेगा तो उसमें हमें आई एन जी एड करना होगा। अगर हम आई एन जी एड कर देंगे तो हमारा लेटिंग बन जाए। व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी स्पीक, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और ये स्पीक हमारा सेकेंडरी वर्ब है। Why are you not letting me speak? आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? हमें उसे ये काम करने देना चाहिए, चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो। एडवाइस देने के लिए मॉडल वर्ब शुड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको लेट का यूज सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग ही नहीं करना, आप मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे डिपेंड करते हैं आपके सेंटेंस पे कि आप क्या सेंटेंस बोल रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, किस टाइप की बात करें, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा हमें उसे यह काम करने देना चाहिए, हम सलाह दे रहे हैं, हम एडवाइस दे रहे हैं, इसीलिए हम मॉडल वर्ब शुड का यूज करेंगे। वी हमें, हमें सब्जेक्ट है ना, इसलिए वी का यूज किया। उसके बाद शुड का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लेट का यूज, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम, उसे के लिए हिम, डू दिस वर्क, We should let him do this work. Do हमारा secondary verb है और this work हमारा other word. We should let him do this work. हमें उसे यह काम करने देना चाहिए। मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूँ पर केवल शाम को। सकता हूँ, सकते हैं, ये कौन से मॉडल वर्ब का यूज होगा, कैन का यूज होगा। हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है सकता है, सकती हूँ के लिए कैन का यूज करेंगे। मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूँ, आई कैन। मेन वर्ब हमारा लेट है,
उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस तुम्हें, तुम्हें के लिए यू का यूज करेंगे, सेकेंडरी वर्ब गो। उसके बाद टू प्ले फुटबॉल हमारा अदर वर्ड्स हो गया। आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल, पर केवल शाम को, बट ओनली इन द इवनिंग, बट ओनली इन द इवनिंग, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूँ पर केवल शाम को। आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल बट ओनली इन द इवनिंग। तो आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा पहले। आप हिंदी वाले सेंटेंस अगर देख रहे हो तो आपको वो समझना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, मॉडल वर्ब का यूज उसमें हो रहा है या फिर टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेट का यूज करना है। ठीक है, चलिए कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, उसे मत जाने दो, हमें सोचने दो, रवि को मत खेलने दो, उसे हिलने मत दो, वहां जाओ, रवि से बात करो, अब उसे मत डांटना। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस तरह के सेंटेंस है। उसे मत जाने दो, आप ऑर्डर दे रहे हो कि उसे अब घर से बाहर मत जाने दो। ठीक है, ये लेट हिम गो, उसे जाने दो, अगर आप बोल रहे हो कि उसे जाने दो, यहाँ पे मत अगर हम हटा देते हैं, सिर्फ इतना बोलेंगे उसे जाने दो तो बोलेंगे लेट हिम गो। अगर हम बोलेंगे उसे मत जाने दो तो बोलेंगे ते जाने दो, लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। हमें सोचने दो, हम सोच रहे हैं, हमें सोचने दो, लेट अस थिंक, लेट अस थिंक। रवि को मत खेलने दो, रवि बहुत खेल चुका है, आप ऑर्डर दे रहे हो कि आप रवि को मत खेलने दो तो बोलेंगे डोंट लेट रवि प्ले, डोंट लेट रवि प्ले। उसे हिलने मत दो, उसे हिलने मत दो, डोंट लेट हिम मूव, डोंट लेट हिम मूव। वहां जाओ, आप ऑर्डर दे रहे हो, वहां जाओ, गो देयर, प्लीज गो देयर, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, वहां जाओ के सेंस में। गो देयर, वहां जाओ, प्लीज गो देयर, वहां जाओ। रवि से बात करो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रवि से बात करो, ये ऑर्डर भी हो गया, रिक्वेस्ट भी हो गया। जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को तो इस तरह बोलोगे ना, रवि से बात करो, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप इस तरह बोलोगे रवि से बात करो। इस तरह से आप, आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोल रहे हो, रिक्वेस्ट टाइप में पोलाइट होके बोल रहे हो या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो आपके बोलने पे ही डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलूं रवि से बात करो तो मैं बोलूंगी टॉक टू रवि, या फिर मैं बोल सकती हूँ स्पीक विथ रवि, दोनों का, दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं, टॉक टू रवि, स्पीक विथ रवि। अब उसे मत डांटना, डोंट स्कोल्ड हिम नाउ, अब उसे मत डांटना, डोंट स्कोल्ड हिम नाउ। इसी के साथ हम लोगों ने लेट का यूज देखा, बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर देखा, चाहे वो WH फैमिली वर्ड्स का यूज करे या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी तरह के सेंटेंस हम लोगों ने बनाना सीख लिया। आई होप आपकी लेट में जो भी दिक्कत है वो दूर हो गई होगी। अब वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।